हेलो, आपका हमारे चैनल डॉक्टर पुनीत धवन में बहुत बहुत स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप हमारी हर लेटेस्ट अपडेट पा सकें। स्वागत है आप सभी का कर्म आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। आपके साथ मैं हूँ विशाखा। इस चैनल पर आप किडनी से जुड़ी सारी जानकारी आसानी से ले सकते हैं। आज हम बात करेंगे किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। किडनी हमारी बॉडी को हेल्थी रखने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। किडनी का इम्पोर्टेंट काम होता है, उसका काम ये होता है कि वो ब्लड से वेस्ट मटेरियल्स को फिल्टर करे। किडनी बॉडी में पानी और कई इम्पोर्टेंट मिनरल्स को लेवल को बैलेंस रखने में हेल्प करती है। किडनी के प्रॉपरली फंक्शन ना करने के कई रीजंस हो सकते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट किडनी के फंक्शंस की जांच करने के साथ साथ उन पर नज़र रखने में डॉक्टर्स की हेल्प करती है। कई टाइप्स के ब्लड और यूरिन टेस्ट किडनी के फंक्शन के बारे में डॉक्टर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं। किडनी फंक्शन टेस्ट को रीनल फंक्शन टेस्ट और यूरिया इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट भी कहा जाता है। किडनी फंक्शन टेस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि किडनी फंक्शन नॉर्मल रेंज में है या नहीं। किडनी फेलियर टेस्ट की मदद से ब्लड यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड और बहुत से मिनरल्स के लेवल का पता लगाया जाता है। अब बताते हैं किडनी फेलियर टेस्ट कब करवाना चाहिए। अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स महसूस हो रहे हैं तो आपको किडनी फंक्शन टेस्ट करवाना चाहिए। आप इन सिम्टम्स से किडनी की प्रॉब्लम्स का पता लगा सकते हैं। ये सिम्टम्स हैं हाई ब्लड प्रेशर, ब्लडी यूरिन, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, इरिटेशनल यूरिन, बॉडी में फ्लूइड बनने की वजह से हाथों और पैरों में स्वेलिंग होना। एक सिम्टम महसूस होना क्रिटिकल कंडीशन का संकेत नहीं, लेकिन अगर एक साथ एक से ज़्यादा सिम्टम्स आपको महसूस हो रहे हों तो ये किडनी के ठीक तरीके से काम ना करने पाने का सिम्टम हो सकता है। किडनी फेलियर टेस्ट इन सिम्टम्स को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। आपके ब्लड और यूरिन सैंपल लेबोरेटरी भेज दिए जाते हैं, जिससे कि पता लगाया जा सकता है कि आपकी किडनी हेल्थी है या नहीं। खून के टेस्ट से डॉक्टर्स आपकी बॉडी में मिनरल्स लेवल का पता लगा सकते हैं। टेस्ट्स हैं जैसे कि सीरम क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन एक अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि मीट इनटेक या मसल ब्रोकेज से बनता है। क्रिएटिनिन का लेवल अलग अलग हो सकता है। हर लेबोरेटरी की नॉर्मल रेंज अलग होती है। कई लेबोरेटरीज में 0.6 से 1.2 मिलीग्राम / डेसिलीटर तक होती है। अगर आपके क्रिएटिनिन का लेवल इससे ज़्यादा है तो इसका मतलब है आपकी किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर पा रही है। जैसे जैसे बॉडी में किडनी डिजीज बढ़ता है वैसे ही क्रिएटिनिन का लेवल भी बढ़ने लगता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। यूरिया नाइट्रोजन भी बॉडी में प्रोटीन टूटने से ही बनता है। नॉर्मल ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल 7 से 20 मिलीग्राम डेसिलीटर होता है। जब किडनी ठीक तरह से काम नहीं करती तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है। एस्टिमेटेड GFR किडनी फेलियर के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, लेकिन ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल भी किडनी फेलियर के लिए मार्गदर्शन करता है। एस्टिमेटेड GFR अधिक सटीक रिजल्ट देता है। एस्टिमेटेड GFR का सामान्य रेंज 90 से 120 मिलीग्राम प्रति यूनिट होता है। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम और बाइकार्बोनेट का नियमित माप सीरम इलेक्ट्रोलाइट होता है। कभी कभी इनको इलेक्ट्रोलाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। किडनी की समस्या के कारण इनमें से किसी का भी असामान्य स्तर हो सकता है। क्रिएटिनिन क्लीयरेंस टेस्ट यूरिन में क्रिएटिनिन के स्तर की तुलना रक्त में क्रिएटिनिन के स्तर से करता है। इसकी मदद से ये जानने में मदद मिलती है कि कितने प्रति मिनट किडनी फंक्शन कर रही है और कितने मिलीलीटर रक्त को फिल्टर कर रही है। इन टेस्ट के अलावा डॉक्टर्स कभी कभी अन्य टेस्ट की भी सलाह देते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के उत्पादी को मापने के लिए यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट और साथ ही साथ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। तो ये थी किडनी फंक्शन टेस्ट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप या आपका कोई अपना किडनी से संबंधित किसी बीमारी से जूझ रहा है तो आप हमारे कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए आप हमारा नंबर, ईमेल और पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं।